वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज अनुराग सैनी, एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, टुडेज आवर टॉपिक इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर में देखें हम तो एक लॉन्ग क्वेश्चन फिजियोलॉजी में इसमें आता ही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे फेजेस, कार्डियक साइकिल के क्या क्या फेजेस होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल कैसे होता है, एंड हार्ट साउंड कैसे ओरिजिनेट करती है, एंड लास्ट में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पर पढ़ेंगे, आप सिर्फ देखते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक से चलें, तो जो हमारा जो कार्डिक जो है, हमारा जो हार्ट सर्कुलेशन है वो हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। आपको पता है जो राइट एट्रियम में ब्लड आता है, सबसे पहले ब्लड किस में आएगा, राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ कहाँ से आता है, राइट एट्रियम में ब्लड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। सुपीरियर वेना केवा और ये क्या है, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। सुपीरियर वेना केवा से का ब्लड कहाँ से आएगा, सुपीरियर वेना केवा ब्लड कहाँ से लाती है, सुपीरियर वेना केवा जो अपर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वहां से ब्लड लाती है, ठीक है। और जो इन्फीरियर वेना केवा है वो ब्लड कहाँ से लाती है, लोअर ऑर्गन से लाती है, ठीक है। फिर वो ब्लड कहाँ आ गया, एट्रियम के अंदर आ गया। बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, ये बेसिक आपको पता होगा तभी आप आगे समझ पाओगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आगे के जो कंसेप्ट है हमारे वो अच्छे बिल्डअप हो, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा अपर ऑर्गन से ब्लड ले आई और इन्फीरियर वेना केवा जो लोअर ऑर्गन है हमारे वहां से ब्लड ले आई और एट्रियम में डाल दिया साहब। अब एट्रियम जो होता है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रियम क्या करेगा, एट्रियल सिस्टोल आपने पढ़ा होगा, एट्रियल सिस्टोल छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल क्या करता है, एट्रियम उसमें क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और कॉन्ट्रैक्ट करने से गाइस यहां पर जो वेल्व है जैसे ट्राइकप्सिड वेल्व्स है ये ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ट्राइकप्सिड वेल्व ये ओपन होंगी और जो ब्लड है वो कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में गया, अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो कैसा होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि जो ब्लड है राइट एट्रियम में कहां से आ रहा था, बॉडी ऑर्गन से कैसा ब्लड आएगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो एट्रियम का ब्लड था राइट एट्रियम का वो कहां गया, राइट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड हुआ, डी ऑक्सीजनेटेड। अब इस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये जो ब्लड आया इसके अंदर, इस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें क्या करना है, ऑक्सीजनेट करना है, इसको हमें क्या करना है, प्योर करना है। तो प्योर करना है तो गाइस इस ब्लड को हम कहां भेजेंगे, लंग्स में भेजेंगे ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड करने के लिए इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लंग्स में भेजेंगे और किसके थ्रू भेजेंगे, पल्मरी आर्टरी के थ्रू। तो ये ब्लड कहां गया, ये लंग्स में गया पल्मरी आर्टरी के थ्रू। अब पल्मरी आर्टरी के थ्रू गया तो लंग्स क्या करेगा, इसको ऑक्सीजन देगा और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या बनाएगा, लंग्स ऑक्सीजनेटेड बना देगा। समझ में आ गया, डीऑक्सीजनेटेड क्या बनाएगा, ऑक्सीजनेटेड बना देगा, समझ में आ गया, ठीक है। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गाइस, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम भी क्या करेगा, इस ब्लड को कहां भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भेजेगा। कहां भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भेजेगा, किसके थ्रू, माइट्रल वेल्व के थ्रू, माइट्रल वेल्व के थ्रू, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड देन aorta के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड देन aorta के थ्रू, ये क्या है, ये aorta, aorta के थ्रू क्या कहां जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में। ये क्या है, ऑर्गन्स है। देन ये ऑर्गन्स जो है, ये जो ब्लड गया वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल का, ये क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ना यहाँ से, लंग से एट्रियम के अंदर आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से aorta में आया। तो aorta में कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में गया तो बॉडी ऑर्गन्स उसकी ऑक्सीजन यूज करेंगे एंड देन वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ये साइकिल चलती रहेगी। समझ में आ गया कैसे कैसे फंक्शन हो रहा है, कैसे कार्डियक सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वो धड़क रहा है तो क्या क्या उसके अंदर फंक्शन हो रही है, ये सारी चीजें आपको यहां से पता होनी चाहिए। क्लियर, यहां तक कोई भी डाउट, अभी बेसिक हुआ। अब हम आते हैं मेन कार्डियक साइकिल पे, ठीक है, कार्डियक साइकिल पे। अब इस कार्डियक साइकिल का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकंड होता है, मतलब 0.8 सेकंड में पूरी कार्डियक साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये टाइम ड्यूरेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कार्डियक साइकिल जो 72 पर मिनट होता है, ये आपको पता है, दिल की धड़कन हार्ट बीट 72 पर मिनट होता है, उसके लिए जो टाइम लगता है वो 0.8 सेकंड लगता है। अगर 72 की जगह ज्यादा हो रहा है तो टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब 0.8 सेकंड में ब्लड है, ये हार्ट है हमारा, ठीक है। हार्ट के अंदर एट्रियम होता है और वेंट्रिकल्स होते हैं। अब 0.8 सेकंड में एट्रियम भी अपना कुछ काम करेगा एंड वेंट्रिकल भी अपना कुछ काम करेगा। क्या काम होते हैं, दो ही मेन काम होते हैं, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकल भी सिस्टोल करेगा, वेंट्रिकल भी डायस्टोल करेगा। क्या होता है सिस्टोल, क्या होता है डायस्टोल, कैसे करते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इतना ध्यान रखो, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए होता है
और एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड के लिए होता है। तो दोनों मिला के कितने हो गए 0.8 सेकंड। तो एट्रियम 0.8 सेकंड में क्या क्या करता है, 0.1 सेकंड तो सिस्टोल करेगा एंड 0.7 सेकंड डायस्टोल करेगा। समझ में आएगा एट्रियम का यहां पर किस्सा खत्म। वेंट्रिकल जो होता है वेंट्रिकुलर 0.8 सेकंड में कैसे काम करेगा, सिस्टोल तो 0.3 सेकंड के लिए करता है और डायस्टोल 0.5 सेकंड के लिए करता है। तो 0.8 मिला के हो गया। तो समझ में आ गया कि 0.8 सेकंड में एट्रियम और वेंट्रिकल क्या क्या काम करते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हमने देखा अभी 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। कैसे होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कितनी फेजेस है इसके, तीन फेजेस होती हैं। कितनी फेजेस होती हैं, तीन फेजेस होती हैं, वो हम यहां पर डिफाइन करने वाले हैं। क्लियर। तो गाइस ये तीन जो फेजेस हैं वो हम यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला फेज होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, यहां पर देखेंगे। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ये वाला हार्ट है, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम हो गया। ठीक है, अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है, जो ये ओटा होगी हमारी, ये ओटा होगी, ओटा होगी। अब गाइज यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये होती है माइट्रल वेल्व, माइट्रल वेल्व एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में, ये क्या है माइट्रल वेल्व है। ठीक है, ये क्या है ओटा, इन ओटा के बीच में ये क्या है, ये जो है आपको दिख रही ये है एओर्टिक वेल्व, क्या है एओर्टिक वेल्व है। ठीक, अब क्या होता है गाइस, सिचुएशन क्या है कि एओर्टिक वेल्व पहले से बंद है, एओर्टिक वेल्व पहले से बंद है। ठीक है, एओर्टिक वेल्व यहां पर पहले से बंद है। अब एओर्टिक वेल्व पहले से बंद है तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो माइट्रल वेल्व है वो भी बंद हो जाती है, ये भी बंद होगी साहब। अब इन माइट्रल वेल्व को हम बंद कर दिए, ये खुली है पहले, ये माइट्रल वेल्व बंद हो गई। ठीक है, बंद हो गई, ये पूरा यहां पर बंद हो गया साहब, अब ये बंद हो गया। ठीक है, यहां से भी बंद है, ये भी बंद है यहां से। ठीक है, एओर्टिक वेल्व भी बंद है, माइट्रल वेल्व भी बंद है। तो एक क्लोज का कमरा सा बन गया ना, एक गोल गोल सा कमरा सा बन गया। ठीक है, गोल गोल सा कमरा सा बन गया। अब सपोज करो एक गुब्बारा है, गुब्बारा है। ठीक है, ये चारों तरफ से पैक्ड है गुब्बारा। ठीक है, पैक्ड है, कोई भी छेद नहीं है। अब इस गुब्बारे के अंदर क्या हम गैस भरते जाएंगे, गैस भरते जाएंगे, गैस भरते जाएंगे, तो ये गुब्बारा एक ऐसे स्टेज आएगी कि गुब्बारा फूट जाएगा। सेम कंसेप्ट यहां पे लगाना है कि चार दीवारी है, ये वेंट्रिकल, यहां ये वेंट्रिकल देखो आप, ये लेफ्ट वेंट्रिकल देखो, सारी जगह से बंद है। ठीक है, अब ये वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा गाइज, प्रेशर बढ़ेगा। सेम कंसेप्ट लगाओ गुब्बारा वाला, गैस भरेंगे तो प्रेशर गुब्बारे के अंदर बढ़ेगा, सेम एज इट इज इन वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होएगा, प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा गाइज, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर हैंडल नहीं होएगा तो एओर्टिक वेल्व क्या कर जाएंगी, एओर्टिक वेल्व ओपन कर जाएंगी, एट लास्ट एओर्टिक वेल्व ओपन कर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट। सबसे पहले क्या हुआ, ये कंडीशन थी हमारी, ठीक है, ये एओर्टिक वेल्व पहले से बंद थी। क्या होता है, माइट्रल वेल्व बंद होती है स्टार्टिंग में, क्या होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में माइट्रल वेल्व क्लोज होती है, क्लोज करती है। माइट्रल वेल्व जैसे क्लोज करेंगी तो एक हार्ट साउंड, हार्ट हार्ट साउंड होता है। माइट्रल वेल्व के क्लोज होने से कारण एक आवाज निकलती है और उस आवाज को बोलते हैं हम S1 हार्ट साउंड। क्या बोलेंगे, S1 हार्ट साउंड। माइट्रल वेल्व क्लोज होगी, ठीक है, माइट्रल वेल्व क्लोज होगी, स्टार्टिंग में माइट्रल वेल्व क्लोज हो जाती है। अब माइट्रल वेल्व क्लोज होगी, इधर से पैक्ड हो गया ब्लड, ठीक है, हार्ट वेंट्रिकल इधर से पैक हो गया, एओर्टिक वेल्व पहले से पैक्ड थी। ठीक है, तो एक चार दीवारी सी होगी और जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गाइज एओर्टिक वेल्व अपने आप ओपन हो जाएंगी। क्लियर। ठीक है, तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखो आप एक सेकंड, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देखो, माइट्रल वेल्व क्लोज होती है, S1 साउंड हर्ड हियर्ड होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट क्लोज्ड एओर्टिक एंड माइट्रल वेल्व। वॉल्यूम चेंजेस नहीं होता, वॉल्यूम सेम ही रहेगी भाई, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी ना, यहाँ पे चार दीवारी के अंदर वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, लेकिन प्रेशर गाइस क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है एंड प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, तो इसलिए हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है, ब्लड की जो वॉल्यूम है, ब्लड सेम ही है ना, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, चार दीवारी के अंदर आ जा रहा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक मतलब ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है और इस लिए हम इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रेशर बढ़ गया तो एओर्टिक वेल्व ओपन हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब गाइज ये हमारा हार्ट था, ये हमारा हार्ट था, ठीक है, ये एट्रियम था, एट्रियम, ये वेंट्रिकल्स थे, ये ओर्टा था। अब ओर्टल एओर्टिक वेल्व खुल गई, अब ये ब्लड जो है ये कहां जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में, तो रैपिड इंजेक्शन फिज एकदम से खुलेगी, प्रेशर से खुलेगी तो रैपिड इंजेक्शन होएगा, टू बाय, और उस रैपिड इंजेक्शन में 2/3 ऑफ वेंट्रिकल वॉल्यूम इजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है,
उससे फिर रैपिड इंजेक्शन फेज हो गया, उसके बाद में आता है स्लो इंजेक्शन फेज आएगा। एंड स्लो इंजेक्शन फेज में क्लोज, स्लो इंजेक्शन फेज में क्या होता है, स्लो इंजेक्शन फेज में जो रिमेनिंग 1/3 वॉल्यूम बचा वो इजेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब गाइस रैपिड इजेक्शन फेज हो गई, ठीक है, यहां पर एकदम से फटेगा तो रैपिड इजेक्शन फेज, रैपिड इजेक्शन फेज होगी, फिर स्लो इजेक्शन फेज होगी। ठीक है, लेकिन एट लास्ट में भी कुछ ब्लड बच जाता है इन वेंट्रिकल्स में, ठीक है, वेंट्रिकल्स में कुछ ब्लड बच जाता है सिस्टोल के बाद में भी, और उसे वॉल्यूम को बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड दैट इज ऑफ 50 ml, 50 ml ब्लड बच जाता है सिस्टोल के बाद में भी इन वेंट्रिकल्स में। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, अब गाइस हमारे पास क्या सिचुएशन आई, अब हमारे पास सिचुएशन ये है, ये हमारे पास क्या है, ये हार्ट है, ये एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक है, एंड दिस वन इज aorta, दिस वन इज aorta। हमारे पास क्या सिचुएशन थी, यहां से हमने क्या सिचुएशन लेके आई, यहां से हमने क्या सिचुएशन लेके आई, माइटर वेल्व क्लोज है, माइटर वेल्व यहां पर क्लोज है, aortic valve क्या है, ओपन है, aortic valve क्या है, ये aortic valve है, AV valve, ये क्या है, ओपन है। ठीक, अब ओपन हो गया, अब सिस्टोल पूरा हो गया, सिस्टोल पूरा हो गया, हमने सिस्टोल यहाँ कंप्लीट कर दिया था ना, सारा ब्लड कहाँ गया, बाहर चला गया ऑर्गन्स की तरफ। ठीक, अब सिचुएशन ये थी, ये आ गई, ये आ गई कि aortic valve ओपन है, mitral valve क्लोज है, और सारा ब्लड कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अब सारा ब्लड बाहर चला गया तो गाइस ये aortic valve क्या हो जाएंगी, अपने आप बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये aortic valve अपने आप बंद होना स्टार्ट होगी, ये देखो यहाँ पर देखो, ये aortic valve क्या होगी, अपने आप बंद होना स्टार्ट होगी, ये बंद होगी साथ। ठीक है, बंद होगी, क्लोजर ऑफ aortic valve, aortic valve क्लोज होएंगी, तो जैसे ही aortic valve क्लोज होएंगी, जैसे ही आप मान लो दरवाजा है, दरवाजा बंद करते तो आवाज आती है ना कुछ, तो aortic valve क्लोज होने से एक आवाज आएगी, और जिससे हम बोलेंगे सेकेंड हर्ट साउंड, डेट इज S2। क्या बोलेंगे, सेकेंड हर्ट साउंड, और उस सेकेंड हर्ट साउंड को हम S2 बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट ऑफ डायस्टोल में होता है। ठीक है, देखो प्रोटोडायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल की, अब हम वापस शुरू में आते हैं, वेंट्रिकल डायस्टोल हमने पहले सिचुएशन लाई कि वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद में क्या सिचुएशन आई, वो हम इस डायग्राम में समझाया। ठीक, हम बात करते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल में पांच फेजेज होती हैं, पांच फेजेज में पहला आता है प्रोटोडायस्टोल, प्रोटोडायस्टोल, प्रोटोडायस्टोल में हमने अभी बताया कि सारा ब्लड चला गया, उसके बाद में aortic valve क्लोज होना स्टार्ट कर देंगी, यहाँ देखो क्लोज हो रही है, क्लोज होना स्टार्ट कर देंगी, और उस क्लोजर किस में आता है, किस कौन सी फेज में आता है, प्रोटोडायस्टोल, ये क्लोजर ऑफ aortic valve प्रोटोडायस्टोल फेज में आएगा, फर्स्ट इवेंट ऑफ डायस्टोल ये होता है aortic valve का बंद होना। ठीक है, अब mitral valve ऑलरेडी क्लोज है, aortic valve भी क्लोज हो गई इस डायग्राम में देखिए, अब वापस चार दीवारी आ गई गाइस, वापस क्या आ गया, चार दीवारी आ गई, चार दीवारी, ठीक है, चार दीवारी आ गई, अब यहां पर वापस क्या होगा, आइसोवॉल्यूमिक, अब आइसोवॉल्यूमिक होएगा क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक, लेकिन वहां उस सिस्टोल में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था, जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था यहां पर क्या होगा, रिलैक्सेशन होएगा, क्योंकि ब्लड है ही नहीं तो रिलैक्स हो जाएंगे, जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे, जैसे वेंट्रिकल एकदम पिचक से जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, जैसे वेंट्रिकल यहां पर रिलैक्स होएंगे गाइस, एकदम पिचक से जाएंगे और पिचकेंगे तो एकदम से mitral valve क्या हो जाएगी, यहां पर ओपन हो जाएगी, mitral valve क्या हो जाएगी, यहां पर mitral valve क्या हो जाएगी गाइस, देखिए आप यहां पे mitral valve ओपन हो जाएगी, ये mitral valve ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यहां पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्शन यही है, ये aorta है, ठीक है, ये aortic valve क्या होगी, क्लोज्ड होगी, ठीक है, क्लोज्ड होगी, aortic valve क्लोज्ड होगी तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक यहां पर रिलैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा, IVR, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्शन में क्या होगा कि mitral valve क्लोज है, ठीक है, aortic valve भी क्या है, क्लोज्ड है, तो एकदम से पिचकेगा हार्ट, हार्ट एकदम से पिचकेगा, जो वेंट्रिकल है ये वाला, ये एकदम से पिचकेगा क्योंकि ब्लड है ही नहीं, बहुत कम ब्लड है, तो एकदम सिकुड़ सा जाएगा, और जैसे ही सिकुड़ेगा, जैसे ही सिकुड़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे ही सिकुड़ेगा प्रेशर एकदम कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना गाइस, प्रेशर कम हो जाएगा, एकदम से सिकुड़ेगा तो यहां पर जो mitral valve है ये क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, ये mitral valve ओपन हो जाएंगी, और mitral valve जैसे ही ओपन होगी गाइस, यहां पर जो एट्री में जो ब्लड है वो रैपिडली ब्लड कहां जाएगा इन वेंट्रिकल्स में आएगा, वेंट्रिकल्स में आएगा, रैपिडली ब्लड, रैपिडली फिलिंग फेज, देन रैपिड के बाद में स्लो फिलिंग फेज आएगी, और ये जो 80% ऑफ ब्लड इस तरीके से ही आता है, दैट इज पैसिवली आता है 80% ऑफ ब्लड, कैसे आया समझ में आ गया, क्लियर। अब हमने बोला कि 80% इस तरीके से आ गया ब्लड, अब 20% ब्लड है वो किस तरीके से आता है, 20% ब्लड किस तरीके से आता है वो हम देखेंगे, 20% ब्लड का जो एट्रियम है ये सिस्टोल करेगा, ये एट्रियम का क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एनर्जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
एटीपी यहाँ पर यूज होगी और 20% ब्लड उस एटीपी की मदद से आएगा और उसे हम बोलते हैं एट्रियल किक। क्या बोलेंगे? एट्रियल किक भी बोलेंगे। अब देखो, हमने यहां तक दो हर्ट साउंड कर लिए थे कि एओर्टिक वेल्व यहां पर क्लोज हो रही थी, प्रोटोडायस्टोल में एओर्टिक वेल्व क्लोज हो रही थी आफ्टर सिस्टोल, ठीक है। अब गाइस दो हर्ट साउंड और होती है, थर्ड हर्ट साउंड एंड फोर्थ हर्ट साउंड। थर्ड हर्ट साउंड क्या होती है, देखो ये देखो इस डायग्राम में देखिए, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलेशन में हमारे पास ये डायग्राम था कि एओर्टिक वेल्व क्लोज होगी, मिटर वेल्व भी क्लोज है, ये प्रेशर एकदम कम हो जाएगा, सिकुड़ेगा, ठीक। सिकुड़ने के बाद में क्या होएगा कि ये वेल्व जो है, ये जो वेल्व है हमारी, ये अपने आप ओपन हो जाएंगी, ये जो मिटर वेल्व ओपन हो जाएंगी। जैसे मिटर वेल्व एकदम से ओपन होंगी तो एट्रियम में जो अंदर ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा गाइज, कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स में एकदम से ब्लड जाएगा तो वेंट्रिकल वॉल क्या आएंगी, वेंट्रिकल वॉल्स जो होंगी इन पे ब्लड टकराएगा और इस टकराने की वजह से एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे हम बोलते हैं S3, थर्ड हार्ट साउंड ऑफ हार्ट, ठीक है, समझ में आएगा S3, ठीक है। अब फोर्थ थर्ड साउंड कब होती है? अब देखो, हमने बोला कि 20% ऑफ रिमेनिंग ब्लड एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से आता है, ठीक है, एटीपी जो कॉन्ट्रैक्ट कर एटीपी कॉन्ट्रैक्ट करवाती है एट्रिया को एनर्जी के साथ, वो 20% ब्लड वेंट्रिकल में भेजता है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण आवाज आएगी, आवाज प्रोड्यूस होगी, उसे हम बोलेंगे S4 साउंड। क्लियर हो गया सारे हार्ट साउंड, S1 S2 S3 S4, क्लियर। अब हम नेक्स्ट करते हैं, सारी जो चीजें पढ़ी हैं हम उसको वापस डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, पढ़ा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमारे पास क्या कंडीशन थी, स्टार्टिंग में बता रहे हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, मिटर वेल्व क्लोज हुआ। मिटर वेल्व जैसे ही क्लोज होता है, मिटर वेल्व जैसे क्लोज हो गया, ठीक है, और जो एओर्टिक वेल्व थी वो पहले से क्लोज थी और मिटर वेल्व क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो एक चार दीवारी सी बन गई, एक रूम सा बन गया और उस रूम में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब वॉल्यूम सेम है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एओर्टिक वेल अपने आप ओपन हो जाएंगी। अब देखो दूसरे फेज में देखो, एओर्टिक वेल ओपन हो गई ना, ये एओर्टिक वेल है, ये एवी वेल है, ये क्या होगी, ओपन होगी, एओर्टिक वेल ओपन होगी यहाँ पर, तो रैपिड इजेक्शन फेज, ब्लड यहाँ पर एकदम से बाहर जाएगा और स्लो इजेक्शन फेज होगा, लास्ट में 50 ml ब्लड बच जाता है, ये हमने अभी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट क्या होएगा, अब यहां तक क्या होएगा, सिस्टोल खत्म हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया। अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करते हैं, यहां से क्या होएगा, वीडी स्टार्ट होगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में हमारे पास क्या कंडीशन आई, यहां से इसके बाद में क्या होएगा कि सारा ब्लड बाहर चला गया, यहां पे देखिए सारा ब्लड बाहर चला गया, मतलब ऑर्गन्स की तरफ चला गया, तो ये एओर्टिक वेल अपने आप क्लोज हो जाएंगी। देखो यहां पे देखिए, एओर्टिक वेल क्या होगी, क्लोज होगी, एओर्टिक वेल क्या होगी, क्लोज होगी, और एओर्टिक वेल क्लोज होगी और मिटर वेल पहले से क्लोज थी, मिटर वेल पहले से क्लोज थी, तो यहां पर इस कंडीशन बोलेंगे प्रोटोडायस्टोल, प्रोटोडायस्टोल, और एओर्टिक वेल क्लोज हुई तो S2 हर्ट साउंड यहां पर प्रोड्यूस हुआ, S2 हर्ट साउंड यहां पर प्रोड्यूस हुआ, ठीक। अब गाइस यहां पर ये कंडीशन आ गई कि एओर्टिक वेल क्लोज होगी और मिटर वेल क्लोज है, तो यहां पर क्या होता है, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा और जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सॉरी रिलैक्स करेंगे, एकदम सिकुड़ेंगे और प्रेशर उससे वजह से कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो मिटर वेल अपने आप क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगे, और मिटर वेल यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, पांचवे डायग्राम में मिटर वेल यहाँ पर खुल गई, रैपिड फिलिंग फेज और स्लो फिलिंग फेज फिर उसके बाद में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई सारी चीजें, ये जो भी पढ़ा इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पर समझाएगी। समझ में नहीं आया तो थोड़ा रिवाइंड करके पढ़ सकते हैं आप, थोड़ा पीछे बैक करके वापस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। होप गाइस आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो बहुत मेहनत की है, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए साफ सुथरी राइटिंग में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अनुराग सैनी MBBS को, और कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके पूछ भी सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।